कोरोना बाल विकास द्वारा माता पिता का क्वारंटाइन होने पर बच्चों का रखा जाए ख्याल। कोरोना लहर के चलते कई जिले में ऐसे भी कई गरीब परिवार हैं जिन पर आफत टूट गई है। कोरोना संक्रमण से माँ बाप की मौत हो जाने के बाद बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे बेसहारा बच्चों का अब महिला बाल विकास विभाग ही पनाह देगी। जिले के सभी 433 ग्राम पंचायतें मुनादी कर जाए ऐसे बच्चों की जानकारी देने पर कहा गया है कि महिला जहाँ पर बाल संरक्षण अधिकारी विजय शंकर शर्मा ने बताया है कि शहर गांव मुनियादी करवाई जाएगी। और वही ये भी बताया कि जिले के पंच सरपंच जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य लेकर सर्वे समाज प्रमुख द्वारा आग्रह भी किया गया है ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोरोना वायरस से मौत हो गए तत्काल उपलब्ध करवाया जाए। कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हो मरीजों में कुछ माता पिता कोरोना संक्रमण के कारण पालन पोषण करने में असमर्थ है ऐसे बच्चों का बाल विकास संरक्षण केंद्र का पूरा ध्यान रखा जाए। माता पिता क्वारंटाइन से नहीं लौटते तब तक केंद्र में उनके भोजन पानी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। प्राइम बेकर न्यूज चैनल के लिए बास्केट ठाकुर जगदलपुर छत्तीसगढ़। अभी शासन के जो दिशा निर्देश अनुसार ऐसे बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं कि देश में प्रदेश में और जिलों में जो है इस प्रकार की न्यूज़ और खबरें सुनने में आ रही हैं कि कोरोना के कारण जो है माता पिता जो आइसोलेट हैं उनके बच्चों को खाने पीने की देने की समस्या आ रही क्योंकि माता पिता दोनों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आइसोलेशन में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है और बच्चों को फिर उनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे बच्चे साथ ही ऐसे बच्चे जो इलाज के दौरान जिनके माता पिता दोनों का डेथ हो जा रहा है ऐसे बच्चों के लिए हमने ज़िले में दो संस्थाओं को चिन्हांकित किया है कि ऐसे बच्चों के लिए अस्थायी रूप से जब तक वो क्वारंटाइन में है तब तक उनके देखरेख संरक्षण की अंतरिम व्यवस्था की जाएगी विभाग के द्वारा। साथ ही जिनके माता पिता दुर्भाग्यवश जो है वो कोरोना के कारण ख़त्म हो गए हैं उन बच्चों को संरक्षण और पुनर्वास की कार्रवाई भी जो है वो विभाग के द्वारा की जाएगी। इसके लिए विभाग ने ज़िले में जागरूकता फैलाने के लिए कैसे प्रकरणों की सूचना जो है विभाग को प्राप्त हो पाए विभाग ने कुछ सहायता नंबर टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किए हैं और मीडिया के माध्यम से अखबार के माध्यम से और जितने भी जो प्रमुख स्थल हैं जैसे कोविड सेंटर हो गए हैं महारानी हॉस्पिटल है डमरापाल हॉस्पिटल है और जो सार्वजनिक स्थल हैं मेडिकल्स हैं सब जगह उनको चस्पा किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ऐसा कुछ प्रकरण उनके संज्ञान में आते हैं तो उसकी सूचना तत्काल जो है वो उन नंबरों के माध्यम से विभाग को प्राप्त हो पाए और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है हम उन बच्चों को संरक्षण प्रदान करेंगे विभाग द्वारा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।